असलम क्लास आर टू इज टॉपिक नंबर एंड नंबर नंबर द नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटोन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम अटोमिक नंबर किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में या किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटोन्स की तादाद को उसका अटोमिक नंबर कहते हैं रिप्रेजेंटेशन इट इज़ रिप्रजेंटेड बाई सिम्पल जी इसको सिम्बल जी से रिप्रेजेंट करते हैं एक्सप्लेनेशन एज़ ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ़ प्रोटोन्स इन देअ देव द सेम अटोमिक नंबर अगर किसी भी आइटम के एलिमेंट में उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन्स की तादाद सेम है तो उसका अटोमिक नंबर भी वही होगा सेम होगा आइडेंटिफिकेसन नंबर ईच एलिमेंट हैज़ अ स्पेसिफिक अटोमिक नंबर टर्म डेज इज़ आइडेंटिफिकेसन नंबर हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक अटामिक नंबर होगा जिसको हम आइडेंटिफिकेसन नंबर कहते हैं एग्ज़ाम्पल ऑल हाइड्रोजन आइटम है वन प्रोटोन देयर टोमिक नंबर जी इज़ इक्ल्स टू वन यानी कि हाइड्रोजन के जितने भी आइटम हैं उसमें एक प्रोटोन पाया जाता है तो उसका अटोमिक नंबर भी क्या है वन है एज इट इज़ कार्बन में सिक्स प्रोटोन्स होते हैं तो उसका अटोमिक नंबर भी क्या है सिक्स है ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में एट प्रोटोन्स होते हैं तो उसका अटोमिक नंबर भी एट है एज़ इट इज़ सल्फ़र के न्यूक्लियस में सिक्सटीन प्रोटोन्स होते हैं तो उसका अटोमिक नंबर भी सिक्सटीन है मैथ नंबर द मैथ नंबर इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटोन्स एन न्यूट्रॉन्स प्रजेंट इन द न्यूक्स ऑफ एन ऐटम किसी भी आइटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटोन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को हम मैथ नंबर कहते हैं जितने न्यूक्लियस में प्रोटोन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे उन दोनों को प्लस करके उसका जो सम होगा डेट इज़ कॉल्ड मैथ नंबर रिप्रेजेंटेशन इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला टू कैलकुलेट मैथ नंबर इट इज़ कैलकुलेटेड एज ए यानी कि मैथ नंबर इज इक्वल्स टू जी अटोमिक नंबर प्लस एन ये जो एन है इट इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ईच प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स हैव वन ए एम यू मैथ जितने भी प्रोटोन और न्यूट्रॉन हैं उनका सिंगल का ईच मैथ कितना है वन एम यू एग्जाम्पल देखें मैथ नंबर की हाइड्रोजन का मैथ नंबर कितना है ए स्टैंड फॉर मैथ नंबर इज इक्वल्स टू वन प्लस जीरो यानी कि अटोमिक नंबर प्लस जीरो न्यूट्रॉन्स क्योंकि हाइड्रोजन में एक क्या होता है प्रोटॉन होता है और उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता तो वन प्लस ज़ीरो इज ल्स टू वन एज इट इज़ द मैथ नंबर ऑफ कार्बन इसमें सिक्स प्रोटॉन्स होते हैं और सिक्स न्यूट्रॉन्स होते हैं तो सिक्स प्लस सिक्स इज इक्ल्स टू ट्वेल्व तो इसका मैथ नंबर क्या है कार्बन का ट्वेल्व पेज नंबर टेन एंड एग्जाम्पल वन पॉइंट वन क्लास हेयर वी हैव द मैथ नंबर टू थर्टी एट एंड एटॉमिक नंबर नाइनटी टू वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने फॉर्मूला पढ़ा था मैस नंबर को कैलकुलेट करने का ए इज इक्वल्स टू जी प्लस एन इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पर जो जी है ये प्लस का है हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा सो हेयर वी हैव एन इज इक्ल्स टू ए माइनस जी जिसको हमने इस तरीके से लिख दिया अब हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने निकालने हैं इसके लिए हमारे पास मैथ्स नंबर कितना है टू थर्टी एट एंड अटोम अटोमिक नंबर कितना है अटोमिक मैथ कितना है नाइन्टी टू माइनस करेंगे वन फोटी सिक्स तो हेयर वी हैव द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ट्रोन्स एन इज इक्ल्स टू वन पॉइंट वन फोटी सिक्स ये हमारे पास आंसर है क्लास हेयर वी हैव द टेबल ऑफ सम एलिमेंट्स अलॉन्ग विदोमिक नंबर एंड मैथ्स नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन इसमें एक प्रोटोन होता है इसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते तो इसका अटोमिक नंबर वन है और मैथ नंबर भी वन है कार्बन इसमें सिक्स प्रोटोन्स होते हैं और सिक्स न्यूट्रॉन्स होते हैं तो इसका अटोमिक नंबर सिक्स है लेकिन मैथ नंबर क्या है ट्वेल्व है सिक्स प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू ट्वेल्व नाइट्रोजन में सेवन प्रोटोन्स हैं और सेवन ही न्यूट्रॉन्स हैं इसका अटोमिक नंबर सेवन है और मैथ नंबर फोटीन ऑक्सीजन में भी एट प्रोटोन्स हैं और एट ही न्यूट्रॉन्स हैं अटोमिक नंबर एट है और मैथ नंबर सिक्सटीन फ्लोरिन इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इसमें नाइन है न्यूट्रॉन्स टेन है अटोमिक नंबर नाइन है और मैथ नंबर नाइनटीन एज इट इज़ सोडियम में इलेवन प्रोटॉन्स हैं ट्वेल्व न्यूट्रॉन्स हैं इसलिए उसका अटोमिक नंबर इलेवन और मैथ नंबर कितना है ट्वेंटी थ्री सम किया है दोनों को प्लस मैग्नीशियम मैग्नीशियम में ट्वेल्व प्रोटॉन हैं ट्वेल्व ही न्यूट्रॉन है और इसका टॉमिक नंबर ट्वेल्व है और मैस नंबर ट्वेंटी फोर पोटाशियम में नाइन्टीन प्रोटॉन्स होते हैं और ट्वेंटी न्यूट्रॉन्स होते हैं दैट्स वाई इसका टॉमिक नंबर नाइनटीन है और मैस नंबर थर्टी नाइन है कैल्शियम प्रोटॉन्स ट्वेंटी हैं न्यूट्रॉन्स भी ट्वेंटी हैं टोमिक नंबर ट्वेंटी मैस नंबर फोर्टी इन दोनों को प्लस किया